अतिथियों से निवेदन करूंगी कि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति दें। हमारे मुख्य अतिथि दीप प्रज्वलित कर सकते के लिए कुछ कर देखिए, आज यहाँ पर महिला मातृ सम्मेलन का आयोजन हुआ था महोबा में और बहुत अच्छी संख्या बहनों की आई है, और उस बहनों की संख्या को देखते हुए और मोदी जी और योगी जी की जो हमारी योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंच रही हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा यदि लाभ मिल रहा है तो हमारी महिलाओं को मिल रहा है। महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं और स्वेच्छा से उनको जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना था उसके अंतर्गत उनको जो भी योजनाएं मिल रही हैं उनको लाभ मिल रहा है, चाहे वो शौचालय हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, चाहे वो आवास की व्यवस्था हो, ये सब में हमारी बहनों को अच्छी भरपूर मात्रा में उनको आयोजन के माध्यम से मिल रहा है और वो उसका लाभ ले रही हैं। और आज जो हमारे विपक्षी हैं वो बरसाती मेंढक की तरह टर टर कर रहे हैं, चाहे वो सपा सरकार हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, जिसको मैं देखते हुए कहना चाहूँगी कि ये सब विरोधियों के हौसले पस्त हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी हमारा पुनः 2022 में परचम लहराएगी, और आज का संदेश हमारी मातृशक्ति ने महोबा जिले को दे दिया है। अपराध बढ़ रहे हैं महिलाओं के ऊपर। देखिए, अखिलेश के पिता की जब हम बात करते हैं, वो तो उन्हीं के बेटे हैं ना, वो कहते हैं बेटों से गलतियाँ हो जाती हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अखिलेश की तबीयत ठीक नहीं है, उनको इलाज करने की ज़रूरत है, और वो जब ठीक हो जाएंगे तो सही वक्त भी देंगे, अभी इस समय उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। हम योगी जी और मोदी जी दोनों लोग जो काम किए हैं देश के लिए, हित के लिए, समाज के लिए, आज वो पूरा समाज उनके लिए तत्पर तैयार है, 2022 हमारी झोली में। प्रियंका जी कह रहे हैं बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, नारे को उन्होंने बुलंद किया है, क्या मानती है? देखिए, प्रियंका जी तो ये चुनावी स्टंट है उनका, चुनाव में आती हैं सिर्फ अपने को घूम घूम के दिखाना वो करना। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि इनके नाना, इनकी दादी और इनके पिताजी, ये सभी लोग जो पार्टी में थे, इन्होंने बेटियों और बहनों का तो सम्मान नहीं किया। अब ये नया एक सगुफा छोड़ रही हैं कि बेटियाँ लड़ सकती हैं, बेटियाँ जा सकती हैं, वो समय बताएगा कि ये कितना क्या करेंगी। भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का सम्मान है और भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है, और आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से बेटियाँ आज हमारी डॉक्टर, वकील, इंजीनियर और समाज में कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ पर स्थान नहीं ले रही हैं, और चाहे वो प्रधान के रूप में, BDC के रूप में, ब्लॉक प्रमुख के रूप में, पंचायत सदस्य के रूप में, जो हमारा आगामी चुनाव हुआ है उस चुनाव को देख के हमारे विरोधी घबरा गए हैं, और विरोधियों को हम लोगों को उल्टा तमाचा देना है और भारतीय जनता पार्टी की 2022 की चुनाव पुनः बनना।